दोस्तों, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन टैफ की जानिब से अपने पार्टनर स्कूलों की इस्तेदाद कारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मौजूदात पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया जाता है। इस सिलसिला में जिला मियांवाली के 12 पार्टनर स्कूलों की 5 रोजा सीनियर लीडरशिप प्रोग्राम में एसएलपी तरबियती वर्कशॉप अनवर अली पब्लिक स्कूल दौदखिल में जारी है, जिसमें मियांवाली जिला के 12 पार्टनर स्कूलों के सरबराहान और प्रिंसिपल्स को तरबियत दी जा रही है। इस वर्कशॉप के माहिर ट्रेनर मोहम्मद अशरफ बेहतरीन अंदाज में ट्रेनिंग दे रहे। इस मौका पर शामिल स्कूलों के सरबराहों ने पैप के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि ये ट्रेनिंग वर्कशॉप हमारे स्कूलों के लिए बेहतर मुआमिन साबित होगी। जबकि ट्रेनर मोहम्मद अशरफ ने भी इस ट्रेनिंग बारे मालूमात फराहम करते हुए हमारे नुमाइंदे तनवीर आबिद को बताया। तो उसकी खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, लेकिन खामियाँ ज्यादा हैं, जैसे मैंने एक दो का जिक्र किया आपके साथ। और फिर अगर हम डेलीगेटिव पे आएंगे तो डेलीगेटिव में आप देखेंगे कि कुछ जो ड्यूटियां आप असाइन कर देते हैं, मसलन असेंबली कंडक्ट करवानी है तो ये इस टीचर की ड्यूटी है, अगर डिसिप्लिन की इसकी ड्यूटी है, ब्रेक टाइम को मैनेज करना है ये इस टीचर की ड्यूटी है, कॉपी चेकिंग की इसकी ड्यूटी है, होमवर्क। सर जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग है ये 5 दिन पे मुश्तमिल है, अनवर अली पब्लिक स्कूल दौदखिल में मुनाकिद की जा रही है। इसकी टाइमिंग 9 बजे से लेकर 2 बजे तक है और इसमें हमारे जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूल हैं उसमें 12 पार्टनर स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस लीडरशिप ट्रेनिंग का जो मेन मकसद ये है कि हम अपने जो पार्टनर स्कूल की इस्तेदाद हैं, उनकी जो कारकर्दगी है स्कूलों की, बेहतर करने के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि उनके स्कूल का जो कल्चर है वो बेहतर हो जाए। स्कूल टीचर्स की जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होते हैं स्कूल के हवाले से, स्कूलिंग के हवाले से, बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से, कैरिकुलम के हवाले से, ताकि वो स्कूल में आसानी के ज़रिए टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस मैनेज हो जाए और स्कूल जो है वो बेहतर अंदाज में चल सके, ताकि माशरे में उसका इन्फ्लुएंस नज़र आए बेहतरी की सूरत में। माशरे के अंदर जो सुधार है, बेहतरी है, वो इन्हीं ट्रेनिंग के ज़रिए बेहतर हो सकती है। जब ये बच्चे जो इन स्कूलों की प्रोडक्ट है, जब इन स्कूलों से बाहर जाएगी तो यकीनी तौर पे वो माशरे के अंदर सुधार लाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे।